हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम रवाना हो रहे हैं अपने निवास स्थान आजमगढ़ से दिल्ली के लिए, जो कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। हमारे साथ तीन लोग हैं। हम तीनों लोगों की सीट, दो लोगों की पक्की सीट है, हमारी है वेटिंग। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना सीट के यात्रा करना कितना कठिन होता है। दोस्तों अब हम अपने डब्बे की तरफ चल दिए हैं। मेरा जब चूंकि डब्बा कोई नहीं है, इन लोगों का डब्बा है, इनका सीट है, मैं वेटिंग लिस्ट का यात्री हूं, तो मैं डब्बे में एसी के डब्बे में हला। दोस्तों अब मैं हलने जा रहा हूं एसी के डब्बे में। जब हला मैं, तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कितना कैसा नज़ारा है। देख सकते हैं आप लोग, मैं दूसरे की सीट पर बैठा, लेकिन कब तक बैठा था, कोई ना कोई मुझे उठाता, तो मैं आके लैट्रिन के सामने बैठा। फिर मैं लैट्रिन में जाने की कोशिश किया कि अब मैं फ्रेश हो लूँ, लेकिन दोस्तों इतना गंदा लैट्रिन कि मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन अपने मन को असंतुष्ट करके मैं इस लैट्रिन में हला। फिर वहाँ से दोस्तों बहुत ही जल्दी से मैं निकला, जबकि दम मेरा घुटने लगा, और मैं आया तो अपना सफाई से हाथ धोया, सबसे पहले हाथ धोया, फिर मैं आके दोस्तों सीट पे बैठ गया। और भटक रहा हूँ मैं कि मेरी सीट दूसरी अब कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ मेरा अस्थाई सीट दोस्तों नहीं था। तो मैं इस दरवाज़ा जो देख रहे हैं, मैं इसके सामने बैठा, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा बाहर से दिख रहा है। लेकिन दोस्तों दरवाजे पर मैं कब तक बैठता, मेरा मन उब रहा था, और बाहर की हवा इतनी तेज़ से लग रही थी कि मैं सोच रहा था मुझे कहीं ना कहीं जगह मिल जाए। दोस्तों जैसे ही मैं ट्रेन चलने लगा, मैं बिल्कुल बाहर का नज़ारा देखा, और दोस्तों फाइनली मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे उतरा। ये जो जर्नी है बड़ी कठिन जर्नी थी, तो मैंने सोचा कि दिल्ली में जो मौसम है बड़ा ही सुहाना था, धीमी धीमी बारिश हो रही थी, और यात्री दिल्ली स्टेशन से उतर के अपने अपने जहाँ रहते हैं, अपने वर्क करते हैं, वहाँ पे चले गए। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, मैं वीडियो भी कैप्चर कर रहा हूँ, और आप लोगों को बता दूँ कि बहुत ही अच्छा मौसम हुआ था, बड़ा सुहावना मौसम हुआ था। दोस्तों इतना होने के बाद मैं आपको बताऊँ कि भूख भी बहुत तेज़ी से लगी थी, लेकिन जो दिल्ली का नज़ारा था, दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा था, वो बिल्कुल बेहद खूबसूरत था, इसलिए मेरा मन जो है बाहर जाने का कर ही नहीं रहा था। भूख तो लगी थी, पर मैं संतुष्ट होकर अपनी वीडियो को कैप्चर करने में, दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनाने में लगा रहा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा दिल्ली रेलवे स्टेशन का, भव्य भव्य नज़ारा है दिल्ली रेलवे स्टेशन का। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मौसम भी सुहावना है दोस्तों। और मैं फाइनली कचौड़ी की दुकान पे पहुंचा, और मैंने दो प्लेट कचौड़ी इसलिए लिया क्योंकि एक प्लेट में मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं दो प्लेट कचौड़ी लिया, और बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ी था दोस्तों। आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा।